सत्यमेव जयते पैनल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज करते हुए आज सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। सत्यमेव जयते पैनल ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सोसाइटी ने कई भ्रष्टाचार किया है, जिसका खुलासा सत्यमेव जयते पैनल द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी आधार पर हम आम जनता से वोट मांग रहे हैं। निष्पक्ष ईमानदार सत्यमेव जयते को विजय बनाकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सोसाइटी के चुनाव 23 जनवरी को संपन्न होने जा रहे हैं। कई प्रत्याशी अपने भाग्य आजमाएंगे। आज हमने तमाम BHL के सदस्यों से बात करी है। हमारे बीच में सत्यमेव जयते पैनल के प्रत्याशी जिन्होंने कई ऐसी आकर्षण योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका कहना है कि चुनाव में हम विजय होते हैं तो वास्तव में BHL में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। आइए हम बात करके किस प्रकार उन्होंने जनता से जो वादे करे हैं क्या वास्तव में निभाएंगे। हमारे बीच में जो वोटर है, हम वोटर से बात करें। सर, सत्यमेव जयते के जो कुछ प्रत्याशी आपके विचार है चुनाव के लेकर, तो आपसे वादे करें, किस प्रकार आपसे वादे करें। महोदय, मैं विनय कुमार सिंह, यही BHL में कर्मचारी हूँ। जैसे ये अपना फिफ्थ सोसाइटी का जो वित्तीय संस्थान है, पिछला जो पैनल था उन्होंने इतने घोटाले जो उन्होंने किए थे, मैंने 4 साल तक किसी को कुछ मैसेज तक नहीं मिला और बहुत बड़ा घोटाला चला। उसको उजागर करने के लिए हमारी पैनल सत्यमेव जयते ने मेहनत करके, उसके जादवान भाई हमारे हैं जिन्होंने पूरी उनकी बैलेंस शीट है उनको 2 महीने रीड करके निकाल के आज के डेट में पूरी कंपनी में लोगों के बीच में बताया। और आज उसी की देन है कि हर किसी के, कर्मचारी हो या नेतागण हो, सब लोग हमारे पैनल से इतने डरे हुए लोग हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग आ गए तो हमारे जो कारनामे किए हुए पिछले हैं उनको तो उजागर करेंगे ही और बहुत सारी चीज़ें जो है ला के सामने रख देंगे। उससे कर्मचारी क्या है, आज की डेट में हर कर्मचारी जो है अपने विचारों को रख के और सत्यमेव जयते की बात से बहुत प्रभावित हुआ है और पूरी तरह कर्मचारी जो है इस पैनल के सपोर्ट में है। और हम लोग को पूरा विश्वास है इस बार हम पैनल के साथ पूरी मजबूती के साथ फिर सोसाइटी का चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें अपना रिजल्ट भी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या महत्व है जनता के बीच? जो हमारी पैनल जा रही है, ये घोटालों को लेकर आप लोग जो जितने घोटाले हुए उसको उजागर करते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए जा रहे हैं हम। और पब्लिक भी इसको चुन रही है कि भाई कौन घोटाला किए, कौन ने इसको उजागर कर रहे हैं, लोग उसको समझ भी रहे हैं। जो बैलेंस शीट आई थी उसके अनुसार जो प्रॉफिट दिखाया गया है उसमें मात्र 80 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है हम लोग का, जबकि निवेश किया है 6 करोड़ कुछ रुपये का निवेश किया हम लोग। 6 करोड़ का निवेश करने के बाद 80 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, उससे अधिक तो हम किराया देखकर कमा सकते हैं। पैनल के सत्यमेव जयते पैनल उन लोगों के चेहरे सामने लेके आ रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रहा है। जी, उनका भ्रष्टाचार जो किया है उनको उजागर कर रहे हैं और उजागर करके ये उनको हम लोग सामने स्पष्ट करेंगे। अगर हम आते हैं, मतलब सत्यमेव पैनल आता है, तो उनको उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। सत्यमेव जयते चुनाव में मैदान में उतरा हुआ है तो क्या अपेक्षा है वोटरों से आपने? सत्यमेव जयते ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है बल्कि शपथ पत्र जारी किया है। उसने अपने घोषणा पत्र को 2 भागों में बांटा है। एक शपथ पत्र जिसमें 10 पॉइंट हैं जिसको सत्यमेव जयते पैनल बहुमत में आने के बाद पहली मीटिंग में ही करेगा, जिसमें 9% से ब्याज दर 7% करना और बड़ी घोषणा है कि 17 लाख का जो लोन की सीमा है उसको 20 लाख किया जाएगा। दूसरा, 550 रुपये की कटौती का बोलते सभी हैं, जो 1 अप्रैल को कटौती है उसको बंद कर दिया जाएगा पहली बैठक में ही। इस प्रकार ये पहली बैठक और 5 साल का घोषणा पत्र है, उसके साथ हम लोग सदस्य के सामने गए, उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब भी कॉलोनी में हमारे साथ में है, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आशीर्वाद सदस्यों का हमको मिल रहा है। सर, क्या समस्या BHL एंटरप्राइज की सबसे बड़ी समस्या जिसको आप मुद्दा बनाए? घरेलू इम्तियाज की सबसे बड़ी समस्या है लोन, लोन लोन पर बढ़ती हुई ब्याज दर। हमारा यही है कि संस्था को रुपयों का पहाड़ ना बनाकर सदस्य हित में काम किया जाए, सदस्य हितैषी बनाया जाए। इसलिए हम पहला ही, हमारी शपथ पत्र पहला ही पॉइंट है कि ब्याज दर को 9% से घटाकर 7% कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी 24 करोड़ की या 34 करोड़ की FDs 4% से प्राइवेट बैंकों में चल रही है। हम उस पैसा वहाँ से रिवर्स ला के अपने ही सदस्यों को 7% पर लोन देंगे ताकि उनको इसका लाभ सदस्यों को मिल सके। कितने मतदाता है इस चुनाव में जो भाग लेंगे? BHL में करीब करीब जो सोसाइटी में जो सदस्य हैं
4725 सदस्य हैं, वो सभी उम्मीदवार मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते पैनल के सभी उम्मीदवारों को देख करके मतदान करेंगे। तो सत्यमेव जयते पैनल ही ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है ऐसा क्यों? बिल्कुल ईमानदारी के साथ लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी अच्छे अच्छे संगठनों से आए हैं और सभी अच्छे अच्छे कर्मचारी हैं जो मेहनत पूरे 8 घंटा लगन के साथ काम करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से हम सभी पैनल पूरा विजयी होगा और फिर में हम लोग। मेरा नाम विजयन पाटिल है। पाटिल साहब, आप सत्यमेव जयते आज प्रचार करने आया कॉलोनी में, किस प्रकार रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये हमको तो बड़ा उत्साह और वर्धन हम लोगों को हो रहा है, जिस तरह से हम लोग आज रिगल कलश में हैं, लोगों को मतलब सुनना हमें पसंद कर रहा है आगे से आके, और कम से कम 5-5 मिनट हर व्यक्ति हमसे ले रहा है कि भैया आप लोग डीपली हमें को बताएं कि किस तरह का यहाँ पर जो थ्रिप सोसाइटी हमारी होगी उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है। हमारे पास तो आप लोगों के पर्चे तो आ रहे हैं लेकिन उसमें क्या कुछ चीज़ें हमें को समझ में नहीं आ पा रही है, तो हम लोगों ने विस्तार से उनको समझाया गया है कि किस तरह से वर्तमान संचालक मंडल ने इसमें अनियमितताएँ की और उसमें जो शॉप है या तो जो सामान लिए हैं उसमें किस तरह की हेराफेरी की गई है। सर, चुनाव में कितने मतदाता वोट डालेंगे? हाँ, वर्तमान में भी 4726 मेंबर हैं जो कि पूरे के पूरे वर्तमान में वोट करेंगे, और आज सबसे बड़ा तो आश्चर्य की हमें ये लगा कि इतने तादाद में हम लोग जो इस तरह से जागरूक कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को सब लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। सर, आप थ्रिप सोसाइटी सदस्य हो, मतदाता हो, किस प्रकार आप वोट देना चाहेंगे, क्या स्थिति है? सर, सत्यमेव जयते पैनल ही क्यों, क्या वजह? क्योंकि बैलेंस शीट को अच्छे से स्टडी करने वाला एक ही पैनल है जो कि अपना ही पैनल है, और इसमें अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं और भविष्य को सुधारने वाले के लिए लोग भी हैं, इसलिए ये पैनल भविष्य के लिए अच्छा हो सकते हैं। सत्यमेव जयते पैनल का साफ कहना है हमारी ईमानदारी का पैसा फिजूल खर्च किया जा रहा है, जिस प्रकार हमें टर्नओवर मिलना चाहिए वो टर्नओवर हमें मिल नहीं पा रहा। हमारा उद्देश्य है कि हमारा पैसा हमारे स्टाफ हमारे साथी कर्मचारी काम में आए और हम उन्हीं को लोन दें और वो भी कम ब्याज दर पे, ताकि वो अपने परिवार का अपने बच्चों का भली भांति पालन पोषण कर सके, समय पर उन्हें उपहार मिल सके। तमाम ऐसी सुविधाएं लेकर सत्यमेव जयते आएगा। अगर सत्यमेव जयते को बराबर जनता का भरोसा और विश्वास मिला तो वास्तव में थ्रेट सोसाइटी BHL का इतिहास बदलने के लिए हम तैयार है, क्योंकि हमारे जो अनुभव है जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं समझ रहे हैं, उन समस्याओं समझते हुए हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करेंगे, बस हमें एक बार जनता का आशीर्वाद और विश्वास मिले। हेडलाइन 24 संतोष की भोपाल।